हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो थ्योरी ऑफ जस्टिस के जो कॉन्सेप्ट हैं या डिफरेंट टाइप्स है, आज बेसिक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम डिस्कस कर सकते हैं वेरियस ग्रुप में। जो पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेस्ड है, जॉन रॉल्स की थ्योरी, नॉजिक थ्योरी, राइट, इसको डिस्कस करेंगे। देन यूटिलिटेरियन थ्योरी, मतलब यूटिलिटेरियन जो सपोर्टर हैं वो जस्टिस को कैसे देखते हैं। कांटियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन ने दिया है, देन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस क्या है, देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस क्या है। सो ये ब्रॉड डिवीजन ऑफ द जस्टिस है थ्योरी में, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैं, जो बेसिक हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टर्म है ये बार बार यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोसीजरल जस्टिस हो गया, सब्सटेंटिव जस्टिस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, रिस्टोरेटिव जस्टिस हो गया, इक्वालिटी, इक्विटी, ये सारे कंसेप्ट आपको बार बार आएंगे जब आप थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे। तो इट्स बेटर कि जो पहले ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, हम इन्हें तरीके से समझ लें, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, जिससे कि हमें जो ये थ्योरीज हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे जॉन रॉल्स के, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट आएगा, देन वो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्योर प्रोसीजरल जस्टिस भी कहेंगे। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख सकें। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि इक्वालिटी, इक्विटी, ये डिफरेंस क्या है। बहुत आजकल जैसे है ना कि जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में इक्विटी की बात की जाती है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो आप जैसे ये इमेज में देख पा रहे होंगे, होप सो कि आप इमेज, ये इमेज है ना, वो आपको दिख रही होगी कि जो इक्वालिटी है इसमें जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इक्वल हुआ, राइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे कहेंगे, राइट तो सभी को एक एक ये जो स्टैंड बॉक्स है दिया गया। बट ये चाइल्ड है, राइट, ये वुमेन है, ये मैन है, बट जो दिस पर्सन है, ये दिस, इसे हम ए मान लेते हैं, तो जो ए पर्सन है ही इज़ नॉट कैपेबल टू सी द मैच द पीपल, जो भी बाउंड्री के उस पार हो रहा है उसे देखने में कैपेबल नहीं है। इक्वालिटी तो हमने कर दी, इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल रिसोर्सेज दे दिए, बट जो आउटकम्स है, जो आउटकम्स मतलब जो जस्टिस है, क्या हम जस्टिस कर पाए, नहीं कर पाए ना यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि ये पर्सन तो अभी भी इट ही इज़ नॉट एबल टू सी कि उस बाउंड्री के पीछे क्या है। तो ये इक्वालिटी होती है। तो आजकल जो कॉन्सेप्ट चलता है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चलता है इक्विटी का। इक्विटी का मतलब है कि आप रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो कि किसको कितनी नीड है, और जो आउटकम्स हैं, जो हमारा आउटकम्स है वो जस्टिस जस्ट होना चाहिए, राइट। सो आउटकम ज़रूरी है, इक्वल आउटकम्स होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनको दिया गया वन स्टैंड बॉक्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको टू स्टैंड बॉक्स दिया गया। तो इसे फाइनली कहेंगे हम जस्टिस, कि जो क्या है जस्टिस, क्या होगा कि जो तीनों हैं उनका इक्वली एबल है कि बाउंड्री के बिहाइंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसे जस्टिस कहेंगे फाइनली। तो अभी इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इक्विटी में क्या है, एक तरीके से डिफरेंशिएट किया गया, किस बेसिस पे कि किस पर्सन को कितनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। इस पर्सन, जो पर्सन ए है, इसकी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस थी, इसको उस आधार पर चीज़ें प्रोवाइड की गई, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, राइट। तो ये इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस है। और बाकी आगे चलते हैं तो हम जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ जस्टिस। तो जस्टिस आप देखेंगे कि जो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट रहता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में, एक तरीके से ये एक फंडामेंटल वैल्यू है जिस पर पॉलिटिकल साइंस बेस्ड है। इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी आप देखेंगे, चाहे वो सॉक्रेट की हो या प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, जस्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसका सब टाइटल ही था कंसर्निंग जस्टिस। तो प्लेटो के लिए जो जस्टिस था बहुत ही फंडामेंटल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूरा का पूरा आइडियल स्टेट इस पर बेस्ड था। तो अगर आपने प्लेटो की थ्योरीज नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जाकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर देख सकते हो।
देन जस्टिस, जॉन रॉल्स हैं वो कहते हैं कि जस्टिस क्या है, एक फेयर फर्स्ट वर्च्यू है ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। ये उसी तरीके से है जैसे ट्रुथ क्या होता है, सिस्टम ऑफ थॉट की फर्स्ट वर्च्यू होती है। तो उसी तरीके से हर एक सोशल इंस्टीट्यूशंस की जस्टिस फर्स्ट वर्च्यू होती है। अरिस्टोटल कहेंगे कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। जो बेंथम है उनका कंसेप्ट क्या है, वो यूटिलिटी की बेसिस पे जो जस्टिस है उसे सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द हैप्पीनेस, राइट। देन इमानुअल कांट है, इमानुअल कांट का जो जस्टिस है आप देखेंगे कि वो उनका जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है, राइट, कि जो जस्टिस है सेल्फ सफिशियंटली गुड है इन इट सेल्फ। तो जब हम इमानुअल कांट की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इसे बहुत ही तरीके से समझेंगे। अभी ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए है। अगर जस्टिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कंटेंट या सिर्फ लेक्चर नहीं प्रोवाइड करती, मेरा एम ये भी रहता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो। अगर आप अभी से राइटिंग स्किल्स कॉलेज लाइफ में ही डेवलप कर लेते हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी, और जो आपका एकेडमिक जो मार्क्स होंगे ना, स्कोर होगा, वो इन्हेंस होगा, ट्रस्ट मी। तो राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको कितना भी अच्छा आता रहे गाइस, आपको बहुत कंसेप्ट पता है, कंटेंट अच्छा खासा है, बट उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी आंसर शीट में, तो एग्जामिनर आपको एवरेज मार्किंग ही देगा। आप भले ही आपको कम पता हो लेकिन आंसर शीट में कैसे उसे रिप्रेजेंट करना है, अगर वो स्किल आपके अंदर है तो शायद आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि जो राइटिंग स्किल्स है उसको टॉप प्रायोरिटी भी आपको देना चाहिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है नहीं देते हैं। वो राइटिंग को सोचते हैं हम तो लिख ही लेंगे, हमें अभी बस रट्टा मार ले पढ़ लें बस, बट राइटिंग स्किल वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ये स्किल्स हैं सीखनी पड़ेंगी आपको। देन वेरियस टाइप्स ऑफ जस्टिस, तो सोशल जस्टिस हो गया आपका। सो कंसेप्ट ऑफ जो सोशल जस्टिस है, बेसिकली आप ये देखो कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है सिर्फ पॉलिटिकल या लीगल बॉर्डर तक नहीं है, राइट, कि हम बस क्राइम किया पनिशमेंट दे दिया जेल भेज दिया, ये सब चीज़ें नहीं है। जस्टिस हमारा पॉलिटिकल और लीगल बॉर्डर के बियॉन्ड होता है, ये आपका सोशल डोमेन में भी रहेगा, इकोनॉमिक डोमेन में भी रहेगा, राइट। तो जो सोशल जस्टिस है बेसिकली इट ये प्रमोट करता है जो इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं उनका जो जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, चाहे वो उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इक्वल होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, राइट। सो जो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होने चाहिए, राइट, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। तो ये सोशल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी कास्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ पर है तो उसकी वजह से जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है, तो जैसे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस हमें नहीं मिलता हमारे से। जैसे अम्बेडकर ने हमेशा इस बात को उठाया है कि इंडिया में क्या है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, सोशल इनजस्टिस है, राइट। तो जो सोसाइटी एंड कम्युनिटी में इंडिविजुअल को इक्वल स्टेटस मिला होना चाहिए, ये अंबेडकर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। देन पॉलिटिकल जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस आपका जुडिशियल प्रोसेस में हो गया, शेयरिंग ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, वोटिंग पावर हो गया, ये राइट, ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटिकल जस्टिस में आ जाएंगी। देन इकोनॉमिक जस्टिस, तो इकोनॉमिक जस्टिस पे आपके वो सारी चीज़ें आएंगी जैसे वेजेस का हो गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट्स हो गए, राइट, रिसोर्सेज, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाएंगी। लीगल जस्टिस, लीगल जस्टिस आपको पता ही है कि लॉ से है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ड्यू प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपके लीगल जस्टिस में आ जाएंगे, कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो लॉ के आंखों के सामने इक्वल है। आप देखेंगे तब एक इमेज बनी रहती है जो तराजू लेकर और आंख में पट्टी बंधी रहती है, मतलब कि उन्हें सारे लोग इक्वल दिख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि किसकी क्या सरकमस्टेंसेस है, किसकी क्या स्टेटस है, किसकी क्या प्रिविलेजेस है, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये अगर आपको समझ आ गया हो तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेसिकली बेसिकली उस कंसेप्ट से बिलोंग करता है जहाँ पर सोशल प्राइमरी जो गुड्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट,
उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, फेयर, ताकि हर एक इंडिविजुअल को अपना फेयर जो शेयर है वो मिल सके। तो इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं गाइस, जैसे कि फेयर शेयर मिलना चाहिए, सब्सटैंशियल शेयर मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स हो गया, क्लोजर टू कम्युनिटेरियन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, रियलाइज्ड जस्टिस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोसीजर बस हमने अडॉप्ट कर लिया फेयर, लेकिन जस्ट आउटकम फेयर नहीं निकला। जैसे इक्विटी में क्या था, रियलाइज्ड जस्टिस था, वो जो तीनों बंदे थे वो इक्वली मैच देख पा रहे थे, अगर आपने देखा हो तो वो रियलाइज्ड जस्टिस हो गया, मतलब इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपका कई सारे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे किस आधार पर हम चीज़ों का जो रिसोर्सेज हैं, जो जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो कुछ जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहेगा नीड के बेसिस पे होना चाहिए, कुछ कहेंगे मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। जैसे एरिस्टोटल क्या कहते हैं, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए ना, वो स्लेव्स को नहीं देते हैं उतना शेयर जो पॉलिटिकल अफेयर है। जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्या बोला था कि जो जितना आप स्टेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। नीड के बेसिस पे आप मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे, देन कॉन्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, इक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, इन सब के बेसिस पे क्या है, आपको शेयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजरल जस्टिस। सो प्रोसीजरल जस्टिस बेसिक इसका क्या होता है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, ये जो शेयरिंग ऑफ द थिंग्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स, ये जो प्रोसेस है ये फेयर होना चाहिए, राइट। सो प्रोसीजरल जस्टिस बेसिकली कंसर्न द लेवल ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इट इज कंसर्न अबाउट द लेटर ऑफ लॉ, जो लॉ है उस वो जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए। सो प्रोसीजरल जस्टिस बेस्ड ऑन द आइडिया लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। व्हेन प्रोसीजरल जस्टिस इज अबाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हैं, राइट, और बैंक में जाकर आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, तो उसका जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर से सबको गुजरना होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डीएल बनवाने, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले एक एग्जाम आप देंगे, दूसरा आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो होगा। तो ये डीएल बनवाने के लिए जो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो कोई भी पर्सन जाए, चाहे कोई पॉलिटिशियन जाए, चाहे कोई जज जाएगा, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स जाए, या कोई अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से कोई पीपल जाएगा या वुमेन जाएंगी, सबको वो इक्वल प्रोसीजर से गुजरना होगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सबको इक्वल उन्हीं से गुजरना होगा। दिस इज द प्रोसीजरल जस्टिस, तभी हम इसे कहेंगे जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो इंस्टीट्यूशनल जस्टिस भी हम इसे कहते हैं, फॉर्मल जस्टिस, लीगल जस्टिस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दिस आइडिया ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस इज क्लोजेस्ट टू इंडिविजुअलिस्टिक या लिबरल आइडियोलॉजी, जहाँ पर जॉन रॉल्स, नॉजिक थ्योरी, इन सबको हम अभी पढ़ेंगे जब डिटेल में। तो कुछ प्रिंसिपल जैसे फेयर प्ले, फॉर्मल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कंसिस्टेंट विद द लिबरल आइडियोलॉजी, जस्ट रूल्स, इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। फोर प्रिंसिपल्स हैं, फोर पिलर्स हैं जिस पे प्रोसीजरल जस्टिस बेस है, बीइंग फेयर इन प्रोसेस, बीइंग ट्रांसपेरेंट इन एक्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस, एंड बीइंग इम्पार्शियल इन डिसीजन मेकिंग। आपको समझ में आ गया होगा, तो ये जो डीएल वाला एग्जांपल है इसको ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट आता है सब्सटेंटिव जस्टिस, एक वर्ड आप देखेंगे, तो सब्सटेंटिव जस्टिस बेसिकली क्या होता है, स्पिरिट ऑफ लॉ से बिलोंग करता है, और इसके पीछे जो आइडिया है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ में क्या है, जो अभी प्रोसीजरल जस्टिस था, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जो लॉ में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। सब्सटेंसिव जस्टिस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो सर्कमस्टेंसेज होती हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डीएल बनवाने एक कोई बुजुर्ग महिला आ गई, बैंक अकाउंट खुलाने कोई एक जो सीनियर सिटीजन है वो पहुंच गए, तो उनको कहेंगे आप पहले आ जाइए, चलिए, राइट, आप पहले आ जाएं। प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, चाइल्ड हो गए, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर एक्स्ट्रा, मतलब कह सकते हो कन्वीनियंस दे दी जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आता है, कि सर्कमस्टेंसेस को भी
कंसीडर किया जाता है। और सब्सटेंटिव जस्टिस का एम होता है नेचुरल जस्टिस को अचीव करना, या जो जस्टिस है उसको फुलेस्ट सेंस में अप्लीकेशन करना। ऐसा नहीं कि जो प्रोसीजर में लिखा है उससे हमारा जस्टिस हो रहा हो या ना हो रहा हो, हम बस प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। सब्सटेंटिव जस्टिस ज़्यादा ब्रॉड है क्योंकि ये क्या है, फुलेस्ट सेंस ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करता है। अब हम इंडिया के एग्जाम्पल लेंगे तो आर्टिकल जो 21 है उसमें क्या बात की जाती है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये फुलेस्ट सेंस में या कंप्लीट जस्टिस या नेचुरल जस्टिस को फुलफिल को रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ऐसी जगह पे हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंक्लूड कर किया जाना चाहिए, और बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस में किया भी जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला सब्सटेंसिव जस्टिस हो गया। थ्योरी ऑफ जस्टिस हम आज के वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। एक वीडियो हम सेपरेट वीडियो जॉन रॉल्स की थ्योरी पर बनाएंगे, नॉजिक के बनाएंगे और बाकी इन सारी थ्योरीज पर भी बनाएंगे, राइट। होप सो आज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इन सारी जो थ्योरीज हैं हमको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें इनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो पाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स की थ्योरी बहुत पूछी जाती है। सो कंक्लूजन में हम ये कर सकते हैं कि जो जस्टिस है एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, राइट। और इसमें कोई पर्टिकुलर एक एग्रीड डेफिनेशन नहीं है कि बस ये जस्टिस की डेफिनेशन हो गई। हर एक स्कॉलर ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया गया। जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलोसफीज में, उन्होंने जस्टिस को अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो जस्टिस एक पॉपुलर डिस्कोर्स है जिसका आइडिया होता है कि जो डिजर्व करता है उसे दिया जाए फेयरनेस, मोरल राइटनेस, इक्वालिटी, इक्विटी, फेयरनेस, ये बहुत सारी डायमेंशंस हो जाती हैं। तो जस्टिस आपका क्या है, एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इवोल्यूशनरी कैसे, कि इंडिया में आर्टिकल 21 में तो एडॉप्ट किया गया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ में जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, इसको अपडेट करने की नीड फील हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अडॉप्ट किया, राइट। तो ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे इक्वालिटी था, अभी इक्विटी जो है वो बहुत चल रहा है आपका, पॉपुलर है जस्टिस के फील्ड में। तो इस तरीके से आपका जस्टिस एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हो गया। सो होप सो कि आपको आज समझ में आया होगा बेसिक जो टर्म्स यूज होते हैं जस्टिस में। और ये आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा जब हम थ्योरीज ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे टर्म्स उसमें बार बार आएंगे और आपको जब तक इनकी मीनिंग नहीं पता होगी तब तक इन थ्योरीज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बिलो, एंड यस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।